है। जमशेदपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जेवीएम के कार्यकर्ताओं ने जुबली पार्क में एक बैठक की और चुनाव पर रणनीति बनाया। खरसुआ उपचुनाव के परिणाम आते ही अब जमशेदपुर लोकसभा उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टी चुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। उधर जेवीएम के कार्यकर्ताओं ने शनिवार के दिन जुबली पार्क में एक बैठक की। इस बैठक में जिले भर के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इन कार्यकर्ताओं ने जमशेदपुर लोकसभा उपचुनाव प्रत्याशी को लेकर रणनीति बनाया और कहा कि जेवीएम उपचुनाव में अपना प्रत्याशी देगी। भी लोग जानते हैं खरसावा का चुनाव जो हुआ था, जिसे माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ा थे, उन्होंने किस तरह चुनाव लड़ा, कैसे वो जीते हैं, पूरी जनता वहाँ के जाने, पूरे झारखंड के लोग जान रहे हैं, पूरे देश के लोग जान रहे हैं। आज उन्होंने चुनाव जीत करके कोई महारथी यहाँ से भेज दिया है। आज गाँव के लोग हो चाहे पोलिटिकल लोग हो, तमाम लोग कह रहे हैं कि आज धन और बल का प्रयोग करके आप राज्य सरकार का वतन यूज करके चुनाव जीतने काम किया है। और साथ ही साथ आज हम लोगों ने जो जिला कमेटी ने निर्णय लिया है, एक प्रस्ताव पारित कर हम लोग ने सब राय मशवरा करके कि जमशेदपुर का लोकसभा सीट झारखंड विकास मोर्चा लड़ेगी, ये जमशेदपुर महानगर का कहना है और तमाम हमारे जिला कमेटी का कहना है। और इसी जो प्रस्ताव पारित हम लोगों ने किया है वो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय श्री बाबूलाल मांडी जी को हम लोग ले आकर सौंपेंगे 22 और 23 फरवरी को देवघर जस्सीडी में, वहाँ पर हम लोग केंद्रीय कार्य समिति का बैठक होने जा रहा है, उसी में हम लोग ले आकर के अपना प्रस्ताव देंगे कि जमशेदपुर महानगर में लोकसभा सीट, जमशेदपुर पूर्वी का लोकसभा सीट जो है 1999 से कांग्रेस यहाँ पर नहीं लड़ी है। और जब भी चुनाव यहाँ लोकसभा का हुआ, अभी दोनों चुनाव में हम ही लोग चुनाव लड़ने का काम किए हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग का हक बनता है और हम लोग यहाँ का चुनाव लड़ना चाहते हैं।